नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हमारे पिछले कई वीडियो में हमने आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्लोटिंग फिश फीड मेकिंग प्लांट, फिश फीड मेकिंग प्लांट, इनके बारे में कई सारे वीडियोस में हमने आपको जानकारी दी है। और आज इस वीडियो के अंदर हम आपको 8 TPD प्लांट यानी कि 8 टन पर डे ऐसा जो प्लांट PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो सरकार ने निकाला हुआ है, जो पूरे देश में ही निकला हुआ है, उसके बारे में हम लोग आपको अभी इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपको दोस्तों, पहले तो हमने कई अपने वीडियो में बताया है कि भाई इस पूरे प्लांट के अंदर जो मेजर स्टेप्स रहती हैं वो 8 स्टेप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है रॉ मटेरियल मिक्सिंग, यानी कि आपको जो कच्चा माल है यानी कि जो रॉ मटेरियल्स रहेंगे वो आपको प्रॉपर तरीके से एक रेसिपी के हिसाब से मिक्स करना है। आपको मैंने कई बार पहले वीडियो में बताया कि जो रॉ मटेरियल इसमें रहते हैं प्रमुखतया वो व्हीट फ्लावर, मक्का, सोया डीओसी, मस्टर्ड ईओसी, DORB यानी कि डी ऑयल राइस ब्रांड, DDGS राइस पॉलिश, MBM, BM फिश मील एंड फिश ऑयल। इस तरह से 10 से 11 कंपोनेंट से हम लोग एक अच्छी रेसिपी डिजाइन कर सकते हैं और उस रेसिपी से हम लोग एक बेस्ट FCR यानी कि फीड कन्वर्जन रेशो, जिसमें बेस्ट मिल जाए हमको 1.2 से लेकर के 1.4 तक का FCR मिल जाए, ऐसे हम एक रेसिपी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग इन प्रॉपर तरीके से एक रेसिपी के हिसाब से सारे रॉ मटेरियल को पहले मिक्स करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इन जो रॉ मटेरियल हमने मिक्स किए हैं इनको पहले कोर्स ग्राइंडिंग करते हैं यानी मोटी ग्राइंडिंग करते हैं, और उसके बाद इस ग्राइंडिंग से जो मटेरियल निकलता है उसको हम सीविंग करते हैं, छनाई करते हैं। जैसे कि हम लोग घर पर आटा रोटी बनाने से पहले छानते हैं, इस तरह से छनाई करते हैं। तो यहाँ से जो बारीक पाउडर निकलेगा उसको हम लोग सीधे ले जाएंगे आगे मिक्सिंग सेक्शन में, और जो मोटा पाउडर निकलेगा उसको हम लोग ले जाते हैं फाइन ग्राइंडिंग में। इसका एक कारण प्रमुखतया जो हम लोगों ने अपने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि अगर हम लोग एक बार में ग्राइंडिंग करने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर बिल्डअप होता है, और टेम्परेचर से हमारे जो रॉ मटेरियल में मौजूद प्रोटीन्स हैं वो ख़त्म होते हैं। तो हम लोग 2 स्टेज ग्राइंडिंग विथ सीविंग ये हम लोग प्रेफर करते हैं और लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप 2 स्टेज की ग्राइंडिंग कीजिए और ग्राइंडिंग करने के बाद में सीविंग कीजिए, और इस तरह का जो बनने वाला पाउडर है उसको आगे फिर आप मिक्सिंग सेक्शन में भेजिए। मिक्सिंग सेक्शन में हम लोग ये हमारा जो पाउडर हमको रिसीव हुआ है इसके अंदर 18 से 20% तक मॉइस्चर ऐड करते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग जो डिफरेंट फिश मेडिसिंस होती हैं वो ऐड करते हैं ताकि फ़िश की जो डाइजेशन कैपेसिटी है वो बढ़ सके, फ़िश फीड को इंटेक को बढ़ा सकें, और फिश को जो फीड या तालाब में पानी की वजह से होने वाली कई सारी जो बीमारियाँ हैं उन सब की रोकथाम की जा सके। यानी कि एक बार ये समझ में आ गया कि भाई आपने फीड तो डाल दिया लेकिन फीड के साथ साथ बाकी सब जो पैरामीटर्स हैं उन सबको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन डाली जाती है। तो यहाँ मिक्सचर में हम लोग पानी प्लस मेडिसिन डालते हैं, इसके साथ साथ हम लोग कई सारे प्रोबायोटिक्स यानी कि एंजाइम्स और फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी इसमें डाल सकते हैं ताकि हम लोग जो गट प्रोटीन है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ा सकें। अल्टीमेटली हम फिश को बड़ा करना चाहते हैं तो उसको हमको फैट भी देना है यानी कि प्रोटीन कैलोरी देना है, और साथ साथ हमको उसको प्रोटीन भी देना है। लेकिन प्रोटीन हमें इस तरह का देना है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, नॉन डाइजेस्टिव प्रोटीन हमारी फ़िश की ग्रोथ को नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ पे ध्यान रखना है कि प्रोटीन पूरा करना ही एक लक्ष्य नहीं है, हमें डाइजेस्टिव प्रोटीन को पूरा करना है। इसीलिए एक रेसिपी के अंदर हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वेजिटेरियन कंपोनेंट को बढ़ा करके नॉनवेज कंपोनेंट जो रहेंगे उनको लिस्ट करें, मतलब जो उनकी लिमिटेशन है, जो उनकी PPM लेवल है उन पर हम मेंटेन करें, तो हम फिश के अंदर जो ग्रोथ है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी से उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी 3 स्टेप देखी, रॉ मटेरियल मिक्सिंग, फर्दर हमने ग्राइंडिंग किया, देन हमने मिक्सिंग किया जहाँ पर हमने मेडिसिन प्लस वाटर को मिक्स किया। फोर्थ स्टेप में हम लोग जो यहाँ से मिक्स पाउडर निकलेगा इसको एक्सट्रूजन में ले जाएंगे, और एक्सट्रूजन में विद द इंटेक ऑफ स्टीम यानी प्री कंडीशनर के द्वारा हम लोग स्टीम का इंटेक देंगे पाउडर के अंदर, ताकि जो पाउडर है वो पहले सेमी कुक हो जाए और यहाँ से कुक हुआ हुआ पाउडर फिर फर्दर हमारा एक्सट्रूजन में एंटर करें। एक्सट्रूडर से फिर हम लोग 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm पैलेट बना सकते हैं। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि हमारा जो पैलेट का साइज़ है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, इसके लिए हमें पीछे सीविंग को कंट्रोल करना है। मसलन कि अगर हम 3 mm, 4 mm का फीड बनाना चाहते हैं या 5 mm का फीड बनाना चाहते हैं तो हमें जो पाउडर पीछे वो 40 से 45 मेश के बीच में रखना है, इतना मतलब आटे के जैसा रखना है। और अगर हमको 1 mm, 2 mm का फीड बनाना है तो हमें पाउडर जो पीछे है वो बेसन जैसा रखना है। तो ये डिफरेंशिएशन हमको बड़े प्लांट में करना होता है। अगर हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं यानी कि मसलन पाउडर को हम लोग बारीक नहीं करते हैं तो फीड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम रहती है, फीड की फ्लोटिंग कैपेसिटी कम रहती है, फीड पानी के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए इस पूरे टेक्निकल प्लांट को A to Z तक हम लोगों ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि एक एक स्टेप में आप फीड को जो स्टेबिलिटी है उसके पैरामीटर्स को पूरा करते जाएँ।
यानी कि जितना बारीक पाउडर रहेगा उतना ही फीट की जो पार्टिकल्स की बाउंडेशन है, बाइंडिंग है, वो मजबूत रहेगी और इस तरह से फीट जो है 15 से 16 घंटा पानी के ऊपर तैरता रहेगा, फ्लोटिंग करता रहेगा। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग अभी एक्सट्रूजन तक पहुँचे। एक्सट्रूजन से जो हमारा मटेरियल निकलेगा उसके अंदर जो मॉइस्चर रहेगी वो 18 से 20% के आसपास रहेगी, विच इज़ नॉट सेफ फॉर स्टोरेज, यानी कि जिसको हम लोग लंबे टाइम तक नहीं रखते हैं, रख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर मॉइस्चर को नीचे लाने के लिए हम इसको फिर ड्रायर में ले जाते हैं। ये ड्रायर जो रहते हैं बेसिकली ये रोटरी ड्रायर है जिसके अंदर हम लोग हीटर्स लगाए हुए हैं या फिर हॉट एयर दे सकते हैं और इस हीटिंग सिस्टम से हम लोग जो इसकी मॉइस्चर है उसको लाते हैं 10 से 12% तक। 10 से 12% एक ऐसी मॉइस्चर है जिसके अंदर हम किसी भी फीड को या किसी भी फूड को हम लोग अगर पैक कर देते हैं बैग में या पैकेट में तो वो आराम से 3 महीना निकाल सकता है। तो 3 मंथ्स की हमको लाइफ इसके अंदर देनी पड़ेगी। वैसे तो आप जानते हैं कि अभी जो इंडिया में सिनेरियो है वो इस तरह का है जैसे गुड़ को रखने के बाद में मक्खी आ जाती है, यानी कि फीड आपने लिया फीड ख़त्म हो जाएगा, आपको स्टोरेज हो ही नहीं पाता है क्योंकि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन फिर भी फॉर अ सेक ऑफ पर्पज़ कि भाई कोई क्लाइंट अगर मान लीजिए स्टॉक करना चाहता है तो 3 मंथ का उसके अंदर हमको सेल्फ लाइफ देना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसकी जो मॉइस्चर है 10 से 12% मेंटेन करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। दोस्तों यहाँ से जो फीड निकलता है वो पूर्णतया ड्राई हो चुका होता है, बॉन्ड ड्राई तो नहीं लेकिन 10 से 12% मॉइस्चर के साथ में होता है। इस फीड को फर्दर हम लोग ले जाते हैं अब फ्लेवरिंग सेक्शन के अंदर। अब फ्लेवरिंग भला हम क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िश की कई सारी वैरायटी हैं, IMC है, पंगास है, रोहू, कतला है, मांगुर है, हर फिश का अपना एक टेस्ट होता है, हर एक उसको एडेरेंस होता है। जैसे पंगास की अगर बात करें जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुखते हैं पूरे इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है, तो पंगास को फ़िश ऑयल का फ्लेवर अच्छा लगता है, यानी कि वो उसको एडेयर करता है कि अगर कोई ऑयल फ्लेवर उसके ऊपर कोटेड है। तो इसीलिए हम दाने के ऊपर फ़िश ऑयल की कोटिंग करते हैं या ब्लेंड ऑफ फ़िश ऑयल प्लस वेजिटेबल ऑयल हम मिक्स करते हैं इसके अंदर और इन मिक्स किए हुए ऑयल्स को हम लोग उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने का एक पर्पज़ ये भी रहता है क्योंकि हम दाना फ्लोटिंग बना रहे हैं तो दाना जैसे ही पानी के ऊपर जाता है तो ऑयल पानी के ऊपर एक लेयर बनाता है, फिश ऊपर आती है, उसको स्मेल पहुंचती है और वो आकर के फीड को इंटेक को बढ़ाती है। तो इस तरह से अगर ऑयल कोटिंग की जाए तो ये एक दाने की इंटेक को बढ़ाने के लिए, फीड इंटेक को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। दोस्तों यहाँ से जो फीड निकल चुका होता है वो लगभग पूर्णतया कंप्लीट है। इसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, इसके लिए हम कूलिंग सेक्शन में ले जाते हैं और ठंडा करने के बाद में हम इसको इमीडिएटली 4 mm 3 mm का जो फीड है हम उसको 35 किलो में और 1 mm 2 mm का जो फीड है उसको हम 25 किलो के पैकेट में पैक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस 8 स्टेप को पार करके, यानी कि रॉ मटेरियल मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, सीविंग, मिक्सिंग, एक्सट्रूजन, ड्रायर, फ्लेवरिंग, कूलिंग एंड पैकिंग, ये 8 स्टेप्स को पार करके हम लोग एक प्रॉपर क्वालिटी का फीड बना पाते हैं। जो फीड एक मार्केट में कमर्शियल जो फीड हमारे पास आ रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, लाइक IB का आ रहा है, CP का आ रहा है या फिर ग्रोवेल का आ रहा है, उन सबको कॉम्पीट कर सकता है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या उनको शेप में या उनकी जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर उसमें हम कम्पीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप एक प्रॉपर रेसिपी सिलेक्शन से, प्रॉपर रॉ मटेरियल के सिलेक्शन से फीड को इन प्लांट से बनाते हैं तो आप आसानी से अपनी जो FCR है यानी फीड कन्वर्जन रेशो उसको अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। मुझे कई हमारे क्लाइंट्स ने कंप्लेन किया कि भाई हम फीड तो अच्छी कंपनी का खिला रहे हैं लेकिन हमारा FCR जो है किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1.6 का आ रहा है, किसी का 1.8 आ रहा है, यानी कि दोस्तों 1.8 या 2 किलो दाना खिलाने के बाद में फ़िश आपकी 1 किलो हो रही है, इसको आप इस तरह से समझिए। तो अगर ये रहेगा तो आपका फीड के अंदर जो इनपुट हो रहा है, पेमेंट का इनपुट हो रहा है, उससे आप टोटल लॉस में चले जाएंगे। फिशरी को प्रॉफिट में लाने के लिए आपको फीड की क्वालिटी और फीड का इंटेक दोनों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा और फीड की क्वालिटी बनाने के लिए आपको उसकी मशीनरी सिलेक्शन और साथ साथ उसका रॉ मटेरियल सिलेक्शन दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पूरे अभी तक के जो एपिसोड में मैंने आपको पूरा जो एक 8 TPD का प्लांट है, यानी 8 टन पर डे का जो प्लांट है उसके बारे में बताया। 8 टन पर डे को हम दूसरी तरह से देखा जाए तो 500 kg पर आवर भी डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और 500 kg पर आवर का जो प्लांट होता है बेसिकली इसको लगाने के लिए हमें 7,000 square feet की एरिया की जरूरत होती है, यानी कि अगर आपके पास में 60 फिट चौड़ा शेड है, 120 फिट लंबा शेड है और करीब करीब 20 से 22 फीट हाइट का शेड है तो आप उसके अंदर आराम से 8 TPD का प्लांट यानी कि 500 kg पर आवर का प्लांट लगा सकते हैं। साथ साथ इस प्लांट को चलाने के लिए आपको लगभग 200 HP का कनेक्शन आपको चाहिए, 200 HP का आपको कनेक्शन चाहिए और इस कनेक्शन से आप आसानी से सारी मशीन्स को एक ही साथ यानी कंटिन्यूस रूप से चला सकते हैं।
और इस प्लांट को चलाने के लिए आपको 4 लेबर और 2 अनस्किल्ड, 2 स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है, यानी 4 अनस्किल्ड लेबर और 2 स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। एक ऑपरेटर आपका ग्राइंडिंग सेक्शन प्लस मिक्सिंग सेक्शन को देखता है और एक ऑपरेटर आपका एक्सट्रूडर्स लेकर के ड्राइंग और फ्लेवरिंग सेक्शन को देखता है। तो इस तरह से 6 आदमी एक प्लांट को आसानी से चला सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कम स्पेस के अंदर, कम इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर और कम लेबर के अंदर आप इस प्लांट को चला सकते हैं, और जो आपकी फीड के ऊपर जो लागत आ रही है उसको आप कम कर सकते हैं। मतलब कि आप 5 से 6 रुपये किलो आसानी से फीड की लागत में सेव कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे हम इस प्लांट के अंदर लगने वाले सारे सेक्शंस की मशीनरी है उनको 1-to-1 समझेंगे कि आखिर वो मशीन कैसी है, दिखने में कैसी है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना जगह लेगी और उसका क्या उपयोग है। इस सारी मशीन को हम 1-to-1 देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में, और अगर आपको यहाँ तक का कंटेंट पसंद आया तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अब हम चलते हैं मशीनरीज का 1-to-1। और दोस्तों, ये हमारे प्लांट का सबसे पहला पॉइंट है जहाँ पर कि हम लोग रॉ मटेरियल को डालते हैं मिक्सिंग करने के बाद में। यह है ग्राइंडिंग सेक्शन, और जो बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं यह है कोर्स ग्राइंडर। मतलब इसके अंदर एक जाली होती है और जाली से हम लोग सबसे पहले हमारे जो रॉ मटेरियल मिक्स है उनको ग्राइंडिंग कर लेते हैं और एक सीव साइज में ले लेते हैं, और यहाँ से निकला हुआ जो मटेरियल होता है उसको हम ले जाते हैं सीवर पर। तो ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर बेसिकली हम लोग सीविंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं जाली के द्वारा, और इसके बाद सीविंग करने के बाद में हम लोग ले जाते हैं इसको फाइन ग्राइंडर पर, जो कि विदाउट सीव होता है, जिसके अंदर जाली नहीं होती है। तो ये प्लांट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों, ग्राइंडिंग से जो मटेरियल निकलेगा वो बेसिकली ये सीवर पर आता है। इस सीवर में देख रहे हैं आप जो टॉप सरफेस पर जाली लगी हुई है, इस जाली के ऊपर जब प्रोडक्ट आता है तो वो छन करके नीचे इस आउटलेट से आ जाता है, जो ये आउटलेट है, और जो कोर्स मटेरियल है वो सेकेंड आउटलेट से निकल जाता है। और इस सीवर का मेन पर्पज आपको प्रोडक्ट को छानना है ताकि कोई भी अनइवन पार्टिकल और साइज पार्टिकल आपके एक्सट्रूडर में ना जाए, क्योंकि अगर वो एक्सट्रूडर में जाएगा तो होल को चोक करेगा, होल को चोक करेगा तो उससे हमारा प्रोडक्ट अनइवन आएगा। तो उसके लिए सीवर एक इस पूरे प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट अंग है। ये सीवर का जो डायमीटर है लगभग 6 फीट के आसपास का डायमीटर है, और ये जो सीवर है बेसिकली वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी से चलता है, यानी इसके अंदर वाइब्रेटरी मोटर लगी हुई है और इसी से ये वाइब्रेशन करके प्रोडक्ट को छान देता है। तो ये यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधा हमारा जाएगा फाइन ग्राइंडिंग में, और फाइन ग्राइंडिंग से फिर जाएगा मिक्सिंग सेक्शन में। और दोस्तों, ये है हमारा फाइन ग्राइंडर, यानी कि जो फर्स्ट ग्राइंडर से जो मटेरियल निकलेगा तो वो छनाई में जाएगा, छनाई से जो बारीक मटेरियल निकलेगा जो कि 40 मेश का या 60 मेश का होगा वो सीधा मिक्सर में चला जाएगा, लेकिन जो कोर्स मटेरियल सीविंग से निकलेगा, जो उसके दूसरे एंड से निकलेगा, उसको हम लाते हैं इस सेकेंड ग्राइंडर में, जिसको हम बोलते हैं फाइन ग्राइंडर। और इस फाइन ग्राइंडर के अंदर हम लोग इसको ग्राइंडिंग करते हैं, यहाँ पर कोई इसके अंदर जाली नहीं होती है। ये जो ग्राइंडिंग है वो इम्पैक्ट से है, यानी कि इसके अंदर डायरेक्ट हैमर लगे हुए हैं और वो प्रोडक्ट को तब तक बीट करते हैं जब तक कि वो एक पाउडर में कन्वर्ट ना कर जाए, और जब पाउडर में कन्वर्ट कर जाता है तो वो जो एक फ़ैन लगा हुआ है इसके अंदर, उस फैन से सक्शन होकर के प्रोडक्ट जो है हमारा आगे फिर सीविंग सेक्शन में दोबारा चले जाता है। तो इस तरह से ये जो ग्राइंडर है, यह ग्राइंडर हमारी जो टेल है, हमारे जो सीवर से टेल आती है उसको पाउडर में कन्वर्ट करता है दोबारा से, और इस तरह से हम लोग 100% जो हमारे प्रोडक्ट की ग्राइंडिंग वो अचीव कर लेते हैं। तो यह भी एक प्लांट का इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा अब सीविंग से वो सीधा चला जाता है मिक्सर में, और यह मटेरियल जहाँ से जो निकलने वाला प्रोडक्ट है जो इस फाइन ग्राइंडर से निकलता है वो दोबारा ग्राइंडिंग में जाता है री ग्राइंडिंग के लिए, और उसके बाद ये एक प्रोसेस कंट्रोल चलता रहता है, यानी कि प्रोडक्ट इस पूरे साइकिल में घूमता रहता है और 100% प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो अब मशीन देख रहे हैं आप, ये है मिक्सर मशीन। इसमें आप जैसे देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ से हम लोग इसमें इंटेक देंगे, और नीचे जो आउटलेट हमको दिख रहा है इस नीचे से आउटलेट से हम लोग मटेरियल को निकाल सकते हैं। बेसिकली इस पूरे मिक्सर का जो उपयोग है वो जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर हमको सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो मिक्स करने हैं, दूसरा रॉ मटेरियल के अंदर इसके अंदर पानी डालना है यानी कि वाटर ऐड करना है, और इसके अंदर मेडिसिन ऐड करना है। तो इस मिक्सर का उपयोग सिर्फ 3 पर्पज़ के लिए, रॉ मटेरियल मिक्सिंग,
यानी ग्राइंडिंग के बाद में पाउडर को मिक्सिंग करना है और पानी ऐड करना है और तीसरा मेडिसिन मिक्स करना है। इसके बाद यहाँ से जो मटर निकलेगा हम उसको सीधा एक्सट्रूडर पर ले जाएंगे। ये जो मिक्सर है ये करीब करीब जो आप देख रहे हैं जो 6 फिट लंबा है और लगभग लगभग आप देखें तो 4 फिट चौड़ा है और इसको ऊँचाई जो करीब करीब है वो 8 फिट के आसपास की ऊँचाई है। तो इस तरह से मिक्सर पूरा जो अपना काम मिक्सिंग का वो कर देता है। और दोस्तों ये मिक्सर के बाद जो हमारा जो पाउडर है वो सीधा सीधा हमारे एक्सट्रूडर में आ जाएगा। जैसे ही आप इस एक्सट्रूडर को देख सकते हैं, इसके अंदर ऊपर ये प्री कंडीशनर लगे हुए हैं जो कि 2 स्टेज में, फर्स्ट प्री कंडीशनर जो लगा वो वाटर एडिंग के लिए जो सबसे ऊपर है एसएस में जो स्टेनलेस स्टील में, सेकेंड जो प्री कंडीशनर है वो स्टीम एडिशन के लिए। और इसीलिए इसके अंदर आप देख रहे हैं जो स्टीम की लाइन भी इसमें नीचे ऐड की हुई है जो आप इसके प्री कंडीशन नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पर इस पूरी मशीन का जो पर्पज़ है, फर्स्ट प्री कंडीशनर के अंदर हम लोग वाटर ऐड करते हैं जो कि एक फ्लो मीटर से कंट्रोल रहता है। उसके बाद ये जो पाउडर है ये सेकंड प्री कंडीशनर में आता है जहाँ पर हम लोग स्टीम ऐड करते हैं और इसका पर्पज़ रहता है हमारे पाउडर को सॉफ्ट बनाना। अगर यहाँ पर पाउडर को सॉफ्ट बना देते हैं तो वो जाकर के स्क्रू को चिपकता नहीं है, अंदर जो हमारा एक्सट्रूडर का जो स्क्रू होता है बैरल होता है उसमें चिपकता नहीं है और इस तरह से कम होता है। दूसरा, प्रोडक्ट के अंदर जो हैं जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरा, सॉफ्ट पाउडर रहने से एक्सट्रूडर की जो स्क्रू की बैरल की लाइफ है वो मान के चलिए आप 10 गुना हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए आप विदाउट स्टीम के अगर चलता है तो 2 महीने चलेगा, तो अगर आप स्टीम के साथ में चलाते हैं तो एक्सट्रूडर की लाइफ को आप आसानी से 1 साल का ले सकते हैं। इस तरह से ये प्री कंडीशनर की 2 स्टेज बहुत मैंडेटरी है। और उसके बाद हमारा जो मटेरियल है वो सीधा आ जाएगा फिर नीचे जो बैरल है उनमें आ जाएगा। इन बैरल में भी देख सकते हैं आप कि इसमें भी ये स्टीम के पाइप्स हैं जो स्टीम दे रहे हैं बैरल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग स्टीम दे करके इन बैरल का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इवनली हमको पफिंग मिले। और इवन पफिंग के लिए स्टीम के साथ साथ हम नेचुरल फ्रिक्शन पे भी ज़्यादा जोर देते हैं। नेचुरल फ्रिक्शन ये जो होता है ये स्क्रू और बैरल के बीच में होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्क्रीम डालने से हम लोग टेम्परेचर को एक डिसाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट की यूनिफॉर्मिटी और यूनिकनेस को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सीधा आकर के आगे कटिंग सेक्शन में आता है, जो आप देख रहे हैं कटिंग के आगे मोटर लगी हुई है। इस कटिंग मोटर सेक्शन में आकर के यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये आप 1 mm 2 mm 3 mm या 4 mm या 5 mm जो भी डाई आप लगाएंगे उस डाई के हिसाब से आप काट करके अलग अलग शेप का साइज का प्रोडक्ट बना सकते हैं। दोस्तों एक्सट्रूडर का जो मेन पर्पज़ हुआ वो एक पाउडर को पैलेट के रूप में कन्वर्ट करना ही नहीं है, इसका एक मेन पर्पज़ ये भी है कि इतनी पफिंग और इतनी हीटिंग इसके अंदर मिल जाए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपस में बाइंडिंग करता हुआ फ्लोटिंग करे, वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, कम से कम 15-16 घंटे तक फ्लोटिंग कर पाए। इसके लिए एक बेस्ट एक्सट्रूडर का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है इस पूरे प्लांट का। जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सट्रूडर की जो प्राइस है इस प्लांट की लगभग लगभग आधे से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए एक बेस्ट क्वालिटी का एक्सट्रूडर का चुनाव तभी संभव है जब आप उसके अंदर की पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। मसलन कि उसका स्क्रू का बैरल का डायमीटर कितना है, स्क्रू लेंथ कितनी है, एक्सट्रूडर की लेंथ कितनी है, 500 किलो अगर हम लोग बोल रहे हैं पर आवर तो 500 किलो के हिसाब से हमें कितनी लेंथ मिल रही है प्रोडक्ट को पफिंग करने के लिए, हीटिंग देने के लिए, इन सारे पैरामीटर्स का चुनाव आपको करना है। और इसी के लिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप हमसे जुड़िए और इस पूरे प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रूडर से जो हम लोग पानी ऐड करते हैं उससे जो प्रोडक्ट के अंदर 18-20% मॉइस्चर रहता है और उसको ड्राई करने के लिए हमें इसको ड्रायर में लाना होता है। तो जो आप देख रहे हैं ये मशीन, ये है ड्रायर मशीन। ये मशीन कम से कम 6 मीटर लंबी है और इसका जो डायमीटर है वो 900 mm के आसपास का इसका डायमीटर, यानी कि लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा कम है इसका डायमीटर होता है। इस मशीन का आप जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर पीछे जो दिख रहा है आपको ये इंटेक सेक्शन है इसका, जहाँ से कि हम लोग प्रोडक्ट को इंटेक करते हैं। इस पूरे ड्रायर के अंदर हीटर लगे हुए हैं और हॉट एयर का अरेंजमेंट है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जब इसके अंदर ट्रेवल करता है तो वो ड्राई होता जाए, यानी कि उसकी मॉइस्चर जो है कम से कम होती जाए। तो जो पीछे आप देखा नॉन ड्राइव सेक्शन, वहाँ से हम प्रोडक्ट एंटर करते हैं और ये जो ड्राइव सेक्शन देख रहे हैं जहाँ पर कि मोटर लगी हुई है, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोडक्ट को यानी इस पूरी मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका जो पैलेट है वो सब जगह पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर उसको मिले। यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलने से हमारा कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी पैलेट
कम ज़्यादा ड्राई ना हो, सब यूनिफॉर्मली ड्राई हो, और अगर वो यूनिफॉर्मली ड्राई होगा तो उसके जो फ्लोटिंग पैरामीटर्स हैं वो सबके सेम रहेंगे, अन्यथा अगर कोई ज़्यादा ड्राई है कोई कम ड्राई है तो कोई ज़्यादा तैर रहा है कोई कम तैर रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। इसीलिए इस पूरे रोटरी ड्रायर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि प्रोडक्ट को यूनिफॉर्मली सब जगह से हीट मिल पाए। और ये पूरा जो ड्रायर है ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, यानी कि अगर टेम्परेचर इसके अंदर आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हीटर से इसमें ऑफ होने चालू हो जाते हैं, और एक टेम्परेचर जो मेंटेन रहना है जोन के अंदर वो मेंटेन रहता है। इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने थोड़ा टिल्टिंग किया हुआ है ताकि दाना नेचुरल फोर्स से भी आगे बढ़ता रहे और साथ साथ जो रोटरी फोर्स है उससे भी बढ़ता रहे। इस प्रोडक्ट में करीब करीब 2 HP की इसमें गियर मोटर लगी हुई ताकि हम लोग इसको ड्रायर को चला सकते हैं, और इसमें लगभग 12 2 किलोवाट के हीटर लगे हुए हैं, यानी कि 24 किलोवाट के आसपास का इसमें लोड दिया हुआ हमने हीटिंग के लिए ताकि हम लोग प्रोडक्ट को ड्राई कर सकें। इस प्रोडक्ट को हम लोग हीटर के अलावा हम हॉट एयर जनरेटर से भी ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो हम स्टीम से भी कर सकते हैं। फिलहाल जो ड्रायर आप देख रहे हैं ये एक ऐसा ड्रायर है जो किसी भी प्लांट के अंदर आसानी से सेट हो सकता है, इसके लिए किसी स्टीम की आवश्यकता नहीं है, और आसानी से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे करके हम इस ड्रायर को चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम सीधा ले जाएंगे फ्लेवरिंग सेक्शन में। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि ड्रायर से जो मटेरियल निकलेगा वो ये फ्लेवरिंग सेक्शन में या ऑयल कोटिंग सेक्शन में आएगा। इस ऑयल कोटिंग सेक्शन को आप देख सकते हैं ये करीब करीब जो है 4 मीटर लंबा है, और इसका जो ओडी है वो करीब करीब 800 mm का है। इस ऑयल मिक्सिंग सेक्शन में हम लोग एक ऑयल स्प्रे पंप से इवन ऑयल को स्प्रे करते हैं। ये ऑयल जो होता है ये वेजिटेबल ऑयल और फिश ऑयल का ब्लेंड होता है, और जब ये प्रोडक्ट नॉन ड्राई वेंट से ड्राई वेंट की तरफ बढ़ता है, यानी कि पीछे से आगे तरफ बढ़ता है, तो एक एक दाने को ये है फ्लेवर पहुंचाता जाता है, यानी कोटिंग देता जाता है। और इस तरह से जब हम ड्राई वेंट से नॉन ड्राई वेंट की तरफ जब हमारा प्रोडक्ट पहुंचता है, यानी कि जब बाहर निकलने की तरफ आता है, तो हमारा हर जो दाना है पैलेट का वो कोटेड होता है, इवनली कोटेड होता है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस पूरी मशीन का पर्पज़ ये है कि हमारे हर दाने पे ऑयल कोटिंग हो जाए और जो फिश है वो इस दाने को पसंद करे, उसको एडर करे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पूरे प्लांट की जो हार्ट अगर कहा जाए आफ्टर एक्सट्रूजन, तो वो फ्लेवरिंग होती है, कोटिंग होती है, ताकि आसानी से उसके अंदर फ्लेवरिंग जनरेट की जा सके। और इसके बाद हमारा यहाँ से जो मटेरियल निकलेगा वो जाएगा ग्रेडर मशीन पे, यानी कि ग्रेडिंग सेक्शन में। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि फ्लेवरिंग के बाद में हम ये नहीं चाहते कि हमारा किसी भी क्लाइंट के पास में कोई भी अनइवन फीड जाए, तो उसको इंश्योर करने के लिए, यानी क्रॉस चेक करने के लिए कि हम इसमें कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है, कोई लोहा लक्कर नहीं है, कोई ऐसा फीड के अलावा कोई पार्टिकल नहीं है, उसके लिए हमने एक ग्रेडर भी लगाते हैं ताकि यहाँ पर अगर कोई भी इसके अंदर कोई भी फीड के अलावा कोई भी कंपोनेंट है तो वो निकल जाता है, और साथ साथ फीड के अलावा उसके अंदर कोई पाउडर है वो भी निकल जाता है। यूँ तो हम पूरा इंश्योर करते हैं कि पूरे प्लांट के अंदर कोई भी पाउडर जनरेशन या अनइवन साइज जनरेशन ना हो, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई भी ऑपरेटर की गलती से अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक ग्रेडर है, जहां पर हम लोग इस ग्रेडर से हमारा फीड के अंदर मौजूद कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट को बाहर निकाल लेते हैं और ये प्लांट का मेंटेनेंस जाता है। तो दोस्तों अभी हमने इस पूरे वीडियो में 8 टन पर डे, यानी कि 500 किलो पर आवर प्लांट में क्या क्या मशीन्स होती हैं, कैसे एक के बाद एक मशीन लगती हैं, हर मशीन का क्या उपयोग है, कितनी लंबी चौड़ी वो मशीन है, और साथ साथ हमको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक फाइन प्रोडक्ट बनाने के लिए इन सारे मशीन्स का क्या क्या उपयोग कैसे कैसे करना है, इस बारे में पूरा समझा। दोस्तों पूरे देश में अभी PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 8 टन पर डे, 2 टन पर डे, 20 टन पर डे के प्लांट निकले हुए हैं, और मुमकिन है कि जिस आप तक अगर वीडियो पहुँचता है और आपका भी पूरा स्कीम के अंदर सिलेक्शन हुआ हो तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, समझिए कि क्या क्या मशीन लगती है, और अपने लिए एक बेस्ट मशीन का चुनाव आप इस पूरे वीडियो को देख कर कीजिए। आपको अगर लगता है कि आपको मशीन देखना है तो आप हमारी किसी भी फैक्ट्री जो कि पुणे, बनारस, कोटा, हैदराबाद, गुवाहाटी और इंदौर में मौजूद है, आप वहाँ जा सकते हैं, हमारी मशीन को 1-to-1 देख सकते हैं, साथ साथ मशीन से रिलेटेड कोटेशंस भी आप हमारे स्टाफ से ले सकते हैं, और आप हमारे वीडियो में जो अंकित हमारा नंबर है 7073642737 इस पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप मशीन की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको देर नहीं करनी है, सीज़न बहुत नज़दीक है, फरवरी आ चुका है, सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपको प्लांट की प्लानिंग करनी है तो आप इमीडिएटली हमारी फैक्ट्री तक पहुँचें और अपने प्लांट की इंक्वायरी करें, ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के बाद में हम लोग 1.5 महीने के अंदर ये मशीन सप्लाई करते हैं, और लगभग
15 से 20 दिन प्लांट को इरेक्शन करने में लगता है, यानी 2-2.5 महीने के अंदर हम लोग आपको प्लांट चालू करके दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो तैयारी रखनी है वो है आपको 7000 स्क्वायर फीट का शेड, 200 HP का पावर कनेक्शन, एक DG जो कि करीब करीब 100 KV का DG रहेगा जो कि एक्सपोर्टर को बैकअप देगा, और 3-4 अनस्किल्ड लेबर और 2 ऑपरेटर, इन सब की व्यवस्था करके रखनी है। बाकी सब काम आप हम पे छोड़ सकते हैं, हम टर्नकी लेवल पे प्लांट को लगा सकते हैं और आपको प्रोडक्शन निकाल करके दाना निकाल कर दे सकते हैं। दोस्तों इन प्लांट के साथ हम लोग 3 मंथ की एक कॉम्प्लीमेंट्री रनिंग आपको देंगे ताकि आप इन प्लांट के प्रोडक्ट को निकाल सकें, उनको लेबोरेटरी में टेस्टिंग करा सकें और अपने आसपास के फार्मर्स को टेस्टिंग पर्पज़ से दें। 3 महीने का ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को आसानी से चेक कर सकते हैं, यूँ तो 1 महीने में भी आप प्रोडक्ट को क्वालिटी को पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने की रनिंग के अंदर आप प्रोडक्ट को कई तरह से अलग अलग रेसिपीज आप बना सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रोवेक से जुड़ने के लिए आप हमारी किसी भी ब्रांच पर आएँ और मशीन को इंक्वायर करें, देखें और ऑर्डर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद प्रोविज, थैंक यू सो मच।